नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन किए और देश की एकता, अखंडता और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्रा अभिषेक एवं जलाभिषेक कर देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल लेजन गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्यपाल ने उन्हें केदारपुरी में चल रहे पूर्ण निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति देकर कुमाऊं मंडल को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। तो वहीं इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को बहुत सहयोग करती है। इस जमरानी बांध की स्वीकृति के बाद विद्युतीय उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही जमरानी बांध परियोजनाओं से जनता को भी लाभ होगा। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार हर बार हमें बहुत सी चीजों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में रहेगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया है, जिसमें पीरान कलियर शरीफ दरगाह सहित प्रदेश की अरबों की 2000 से अधिक संपत्तियां हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में 6 महीने के अंदर आरटीआई एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ाने से लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। सूचना आयुक्त के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही है, और मुझे लगता है कि जब आप 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन कहते हैं तो फिर जीरो का मतलब जीरो ही होना चाहिए, और इसलिए हर जगह हर विभाग के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और सूचना के अधिकार में जिस तरह से कहीं हम क्लियर नहीं थे, कई सारी जगह ये आती थी कि सूचना के जो अवकाश हैं उनसे सूचना कैसे ली जाएगी, उनमें क्लैरिटी लाने का काम आयोग ने किया है। मुझे खुशी है जो आयोग का निर्णय आया है, इसकी स्वागत योग्य है, और हम पूरी को ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि जो दिशा निर्देश
सूचना आयोग के माध्यम से दिए गए उनका अक्षरशः पालन किया जाए और इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो आएगी और ईमानदारी के साथ औकाफ की जो चोरी होती है, औकाफ में जो खुर्द बुर्द होती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है और हम इसे कोशिश करेंगे कि इसे और बेहतर बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में औकाफ के अंदर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों को सूचना के अधिकार में तमाम बातों को मांगने का अधिकार भी सामने मिलेगा। सर, जो इस वक्फ के अधीन संपत्ति हैं, वहाँ प्रबंध कमेटी होती हैं, तो क्या वहाँ लोक सूचना अधिकारी अब होंगे? अभी इसी के बारे में एक ये कहा गया है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का एक मैनुअल तैयार किया जाए और उन संपत्तियों के जो भी अवकाफ की संपत्ति है वहाँ पे सूचना अधिकारी डिप्यूट किए जाए। अब वहाँ कैसे डिप्यूट करेंगे, क्या उसका सिस्टम रहेगा, ये जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ बोर्ड हैं और हम लोग हैं, बैठ के उसके ऊपर निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि अच्छी पहल है, अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो ऐसे काम को बिल्कुल किया जाना प्रदेश हित में है, वक्फ बोर्ड हित में है, देश हित में है। मुझे लगता है जब आप ईमानदार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कुकर्मों को ढकने का एकमात्र प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के समय भी ऐसे ही मीट हुए थे और उसी की तर्ज पर ऐसे मीट का आयोजन उत्तराखंड में करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी असलियत तभी पता चलेगी जब धरातल पर यह प्रोजेक्ट उतरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से इस बात का जवाब मांगेंगे कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनके समय में जो उद्योग लगे थे, कितने उद्योग आज तक उत्तराखंड से जा चुके हैं और उनके जाने का कारण क्या था, सरकार इसको भी स्पष्ट करे। देखिए, ये केवल और केवल कुकर्मों को ढकने का एक प्रयास मात्र है और त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो इस तरह के मीट हुए थे उसी की तर्ज पे ये है। जब हमारे यहाँ पहाड़ में एक कहावत है, मडू फोके लफी देखा, मिलर जब गिरते हैं तो दिखाई देते हैं। देखेंगे आने वाले समय में एमओयू तो बहुत होते हैं, कितने जमीन में उतरते हैं वो देखा जाएगा और ये भी सरकार से पूछा जाएगा कि जितनी फैक्ट्रियां, जितने उद्योग हमारे यहाँ नरेंद्र तिवारी जी और अन्य मुख्यमंत्रियों की वजह से आए थे, उनमें से कितने वाइंड अप होकर यहाँ से चले गए हैं और उनके जाने का कारण क्या था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निकाय चुनाव को समय से कराने को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अब साफ कह चुका है कि निकाय चुनाव फरवरी 2024 में करवाए जाएंगे, जिससे बीजेपी की स्थिति का पता चलता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नवंबर से दिसंबर के बीच में यह चुनाव संपन्न होने थे लेकिन अब फरवरी में कराए जा रहे हैं, तब तक लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाएंगे। उन्होंने कई घोटालों को उजागर करते हुए कहा कि यही वजह है कि बीजेपी समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती है और इसी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आ रही है। निकाय चुनाव को समय से करने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अब साफ कह चुका है कि निकाय चुनाव फरवरी 2024 में करवाए जाएंगे, जिससे बीजेपी की स्थिति का पता चलता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नवंबर से दिसंबर के बीच में यह चुनाव संपन्न होने थे लेकिन अब फरवरी में कराए जा रहे हैं, तब तक लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाएंगे। उन्होंने कई घोटालों का उजागर करते हुए कहा कि यही वजह है कि बीजेपी समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती और इसी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आ रही है। निकाय चुनाव को समय से करने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान, कहा बीजेपी बैकफुट पर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने। दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन अब साफ कह चुका है कि निकाय चुनाव फरवरी 2024 में करवाए जाएंगे, जिससे बीजेपी की स्थिति का पता चलता है। निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो उनके हर चुनाव 6 महीने बाद ही होते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त 60 नगर पालिकाएं थी, आज जो बढ़कर लगभग 103 हो चुकी है और नए परिसीमन में हर चीज में समय लगता है। उन्होंने कहा कि इसलिए समय लगता है और निर्वाचन आयोग की कोशिश होती है कि हर काम को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी काम समय पर पूरे होंगे और जो भी चुनाव होंगे बीजेपी हर चुनाव को पूरे तरीके से जीतेगी। वैसे तो अभी जनवरी आई नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस से प्रश्न करता हूं, जब उनकी सरकारें थी उन्होंने हर चुनाव उत्तराखंड राज्य के इतिहास तक सारे चुनाव 6 महीने बाद ही हुए। तब तो 60 नगर के लगभग नगर पालिकाएं थी जब कांग्रेस सरकार थी, आज टोटल नगर क्षेत्र 103 हो चुके हैं। और नया जब नगर क्षेत्र बनता है तो परिसीमन की व्यवस्था रहती है, नई मतदाता सूची का विषय रहता है, नए क्षेत्र जुड़ते हैं, इसलिए समय लगना स्वाभाविक रहता है और निर्वाचन आयोग उस काम को अपने समय पर करने का प्रयास करता है। मुझे पूरी उम्मीद है यथा समय वो कार्य पूरे होंगे और चुनाव जिस दिन भी होगा भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में विजयी की ओर आगे बढ़ेगी। रामलोक पहले भी जीता है आगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बयान देते हुए कहा कि वो सभी संपत्तियों का एक डाटा तैयार करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और फतेहपुर में बद्रीनाथ और केदारनाथ कमेटी की कई जमीनें हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। वहीं अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रवास के दौरान भी उन्होंने मंदिर संपत्ति को मदद करने का आश्वासन दिया था। कोई ऐसा लेखा जोखा पर्याप्त जो समुचित जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर भी हमारी भूमि है, जो भी परिसंपत्तियां हैं, वो उनका हम एक डाटाबेस तैयार करें। और उस संदर्भ में हमने अब तक गत वर्ष काफ़ी लोगों को नोटिस भी दिए हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जे किए थे या जो लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, और कई लोग ऐसे भी थे जो कि लंबे समय से किराया नहीं दे रहे थे, तो उनसे हमने राजस्व वसूली भी करी है और करीब 20-25 लाख से अधिक की गत वर्ष हमने राजस्व वसूली भी की थी। हमने जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी हैं, इनका हमने डाटाबेस तैयार करवा रहे हैं और कुछ स्थानों पर अभी तक हमने चिन्हित भी करी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में फतेहपुर में काफ़ी भूमि हमारी है जिस पर कुछ अतिक्रमण भी किया गया है, और इस संदर्भ में कुछ समय पूर्व में लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वहां पर भेंट भी की थी, उनसे चर्चा भी की थी, और इस दौरान जब वो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए थे तब भी उनसे चर्चा हुई थी, और उन्होंने इस मामले में हमको पूरा सहयोग देने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। और उस संदर्भ में उन्होंने जो अपने वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव इत्यादि हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मसूरी विकास प्राधिकरण दोहरी भूमिका निभा रहा है।
एक तरफ प्राधिकरण के द्वारा अब तक अलग अलग स्तर के करोड़ों रुपए के मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी विकास प्राधिकरण इन्वेस्टर समिट से पहले शहर को चमकाने में जुटा है। देखिए अब तक 50,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो चुके हैं और आज चेन्नई में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 3,500 करोड़ से ज्यादा के एमओयू संपादित किए गए हैं और जो अब तक एमओयू हुए हैं उसमें भी उसकी ग्राउंडिंग कितनी जल्दी हो उसके लिए अलग अलग विभागीय स्तर पर सभी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक मुख्य आयोजन है जो दिसंबर के पहले सप्ताह में होना है उसको लेकर के भी हम लोग जो तैयारियां हैं चाहे प्राधिकरण के द्वारा की जानी या विभागों के द्वारा वो सभी तैयारियां द्रुत गति से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हॉर्टिकल्चर के निदेशक हरमिंदर बवेजा पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप को देखते हुए अब माननीय न्यायालय ने सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार से भी सीबीआई जांच में पूरे तरीके से मदद करने का निर्देश दिया है, जिनका स्वागत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी घोटाला हो उसकी जांच कोई भी कमेटी या न्यायालय करे, हम उसका पूरे तरीके से पालन करेंगे और स्वागत करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कृषि मंत्री अच्छा काम करते तो क्यों माननीय न्यायालय को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ता। उन्होंने कहा कि हरविंदर बवेजा पर 500 से 600 करोड़ का मामला सिर्फ उत्तरकाशी जनपद में है और 300 से 400 करोड़ के मामले प्रदेश के अन्य इलाकों में है। नहीं, हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो जिस एजेंसी चाहे सरकार जांच कराए चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं उसको हम पालन करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कई भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। हाईकोर्ट को संज्ञान क्यों लेना पड़ा इस बात का उत्तर मंत्री जी को देना चाहिए और मंत्री जी इन चीजों से बच नहीं सकते क्योंकि बवेजा केवल पुरोला क्षेत्र में लगभग जो संज्ञान में आया लगभग 500 से 600 करोड़ का मामला है और 300-400 करोड़ का अन्य मामले हैं। विधायक जी के उसमें तो गजब हो गया, 25 से 30 नाली जमीन जो है नाप की है, बाकी लगभग 10 गुना जमीन जो है तारबाड़ कर दी गई सरकारी धन से और वहां रोड बना दी गई जो जिलाधिकारी अल्मोड़ा में बहुत सख्ती दिखाती थी नैनीताल जाके ही वो विधायक जी के आगे सरेंडर हो गई। लोगों की शिकायत के बाद भी उन्होंने एक कार्रवाई नहीं, गरीबों के खेत खोद दिए, गरीबों की रोडें तोड़ दी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय को विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़ी दिक्कतें हो रही नैनीताल जिलाधिकारी को। अब सीबीआई की जांच हो रही है, मैं सब चीजें खुलेंगे, उसमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम प्रशासनिक अधिकारियों को भी पार्टी बनाएंगे। सीबीआई जांच चल कहा रही थी, सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, काश्तकार इस पर धरने कर रहे थे, दीपक करके जी ने अमरण अनशन भी किया और आज कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेके इसमें सीबीआई जांच करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की है कि विधायक का नाम भी इसमें आया है, जिन्होंने जो इसमें सम्मिलित थे उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है, तो ये सारे प्रकरण है, इसमें केवल बवेजा ही नहीं है, बवेजा तो एक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दशहरा समापन के बाद आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्मार्ट सिटी से संबंधित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रावण दहन के चलते घास और कई पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते मंत्री ने पेड़ पौधे का भी बारीकी से परीक्षण करते हुए बन्नू बिरादरी को निर्देश दिए हैं कि वह इसका यथाशीघ्र भुगतान करे। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पिछले 75 वर्षों से लगातार दशहरा मेले का कार्यक्रम होता रहा है और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और अभी 76वां दशहरा मेला 24 तारीख को संपन्न हुआ, इसमें हजारों लोग उसमें शामिल थे, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और चूंकि एक सांस्कृतिक दृष्टि से परंपरा की दृष्टि से कार्यक्रम हुआ, बहुत से लोग इसमें, मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी उसमें स्वयं आया था और जब मैंने कहा कि 75 वर्षों से हम कर रहे हैं तो एक थोड़ा चेंज ये आया कि हमने इसमें स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पे हमने काम कराया था, जिस नाते हमने जब इनको अनुमति दी थी तो ये आग्रह किया था कि हमारा जो स्वरूप है वैसा बने,
तो मैं सिर्फ यही देखने आया था कि जो अभी आज दो दिन हो गए सफाई है, जो हमारे घास है या इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं वो यथावत हों या उसके जैसा हो, तो वही बात मैं यहाँ देखने आया था। और जो दशहरे कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण उपस्थित हैं, हमारा प्रयास यही होगा क्योंकि इसका भी स्वरूप भी बना रहे और आने वाले समय पर कोई इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ होते हैं उसको भी हम इसी प्रकार से अनुमति दे सकें। आने वाले टाइम पे दशहरा आयोजन होगा, ये एक धार्मिक प्रोग्राम है, संस्था है, हमने ये ख़त्म नहीं करना है क्योंकि इन चीज़ से आने वाले जो बच्चे हैं सब दूर होते जा रहे हैं, सब मोबाइल पे होते जा रहे हैं, इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम ना हो तो बच्चे भूल ही जाएं दशहरा क्या है। कल की एक घटना बताऊँ, कल हम शोभा यात्रा भरत मिलाप की ला रहे थे तो गांधी पार्क के बाहर एक व्यक्ति ने पूछा, कह रहा भाई जी ये क्या जुलूस निकल रहा है। मतलब मैंने कहा यार अब वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता मैं, मतलब उनसे पूछा मैंने, आपको ये नहीं पता लग रहा शोभा यात्रा और किस चीज़ की है, कल क्या था? कह रहे क्या था, मैंने कल दशहरा था। कह रहे अच्छा, मतलब ये इसमें मोबाइल ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है और ये धार्मिक प्रोग्राम अगर बंद हो गए तो आने वाले टाइम पर ये संस्कृति। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में अन्य वर्षों की तरह इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इस पर खुशी जाहिर करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस साल यात्रा में सभी सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं और रिकॉर्ड यात्री और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इस साल नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। वहीं उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया। उन्होंने कहा सीएम की अगुवाई में और उनकी मॉनिटरिंग से ही ये संभव हो पाया है कि इतनी तादाद में श्रद्धालु चार धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। वो एक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, चार धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत होने जा रही है। चीन की सीमा से सटे मिलन ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र जोहार घाटी के रहने वाले वहां के वाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में इस जोहार महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती है सुंदर झांकी के साथ कल इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत होगी। सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे जोहार महोत्सव में शिरकत करेंगे। वहीं इस महोत्सव में जोहार घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 28, 29 और 30 अक्टूबर 2023 को MB फील्ड में जोहार महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना है। और जो हमारा जोहार महोत्सव है उसमें मुख्य रूप से हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना है। मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारा आपके हमारे जैविक उत्पाद के हमारे स्टॉल लगे हैं, जो सोका व्यंजन है उसके भी स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त तो हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसके भी स्टॉल लगे हैं। और जो हमारे रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें कुमाऊं के प्रतिष्ठ कलाकार आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो नए प्रतिभावान कार्यक्रम दे सकते हैं उनको हम मंच प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस और सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता के साथ अभद्रता व मारपीट करने का आरोप लगा है। दीपा का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उनके साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उनके साथ थाने में बिठाकर मारपीट भी की गई है। करता है हमारे दीपा राय मंडल की अध्यक्ष है लालपुर मंडल की, और ये कोई घटना गंगापुर में हुई थी 2-3 दिन पहले, वो भी हमारी कार्यकर्ता है, उसके मायके में घटना घटती है, एक बच्ची के साथ वहीं के कुछ लोग मार पिटाई करते हैं। तो पहले कहीं कूड़े को लेके विवाद हुआ, बाद में वो मार पिटाई में बदल गया। उस मामले को लेके ये लोग थाने में आए थे, टाइल कैंप थाने में, तो वहां तहरीर दी थी इन्होंने,
तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन ये हो गया कि उनको लगा कि लड़ाई की घटना है और ये पॉक्सो में इनको दर्ज कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा ऐसी नहीं थी कि पॉक्सो में दर्ज कराना है, वो कई क्लरिकल मिस्टेक भी रही और फिर अग्रेशन पुलिस का ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने रसीविंग मांगी तो पुलिस का अग्रेशन बढ़ गया। पुलिस का अग्रेशन बढ़ने से ही फिर हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी थोड़ा सा आक्रोशित हुई, नाराज हुई, तो उन्होंने इसको बैठा दिया अपने कमरे में और उसे मोबाइल भी छीन लिया, तो जिसकी हमने निंदा की है, कप्तान साहब ने भी इसकी निंदा की है और वो जो पुलिस कर्मी है उन्होंने भी इससे अपने खेद प्रकट किया है। तो मुझे लगता है कि पुनरावर्ती ऐसी घटनाओं की ना हो, और क्योंकि हमारे कार्यकर्ता है या किसी दल का भी कार्यकर्ता है उसका सम्मान होना चाहिए, और जब भी वो थाने कोतवाली में जाए एक ऐसी परंपरा बननी चाहिए, मैंने कप्तान साहब से भी कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनकी बात को सुना जाए और फिर जो विषय जैसा है पुलिस वैसे ही कार्रवाई करे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ये पुलिस का काम है, और आगे से ऐसी घटना ना हो इसका उन्होंने भी आश्वासन दिया है, और फिर भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग इसका पूर्ण जोर से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा अभियान चलाते हुए जेसीबी चलाई। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए तिकोनिया चौराहे से वर्कशॉप लाइन तक अतिक्रमण हटाया, साथ ही सड़क पर लगाए गए ठेलों को जब्त भी किया। वहीं इस कार्यवाही के दौरान व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान त्योहारी सीजन में लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए चलाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जिस वर्कशॉप लाइन पे हम लोग खड़े हैं इसमें कई बार संयुक्त अभियान नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा चलाया गया है। बार बार इन लोगों को बताया जाता है कि रोड पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं करो, लेकिन अभी जब भी यहाँ आने के पहले इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कराई गई है, सभी लोगों ने अपनी दुकानें रोड पर लगा रखी हैं, गाड़ियों का रोड पर रिपेयर कर रहे हैं, जिनके जो वेंडिंग जोन की बात करते हैं, जो ठेले हैं उनके ऊपर उन्होंने पूरा टीन शेड बना रखा है। तो ऐसे सभी अतिक्रमण जो यहाँ पे अतिक्रमणकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, और आज इसमें इनका चालान जो है कड़ा किया गया है। इसके साथ ही जितना भी इनका अतिक्रमण पक्का था उस सभी निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, और ये सख्त चेतावनी इनको दी जा रही है कि अगर इन्होंने भविष्य में इस रोड पर दोबारा अतिक्रमण किया तो इनकी दुकान भी सील की जाएगी। कहीं ना कहीं पढ़ा दी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगी कि किसी भी तरीके के दबाव में कहीं प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है। ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। इनको कितनी बार समझाया जा चुका है कि रोड पर किसी भी तरीके से गाड़ी रिपेयर मत करो, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी, ये रोड को इसी तरीके से खाली कराया जाएगा। आयुक्त महोदय के द्वारा स्वयं भी इस रोड पर इंस्पेक्शन किया गया था और दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना हो, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इस क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी जब तक ये अपनी दुकानों के अंदर जाए। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।